स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा, तुलसी सिलावट जी के मंत्रालय के द्वारा दी जाएगी। मुंगावली के लिए करीब 5 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। और जहां अधोसंरचना हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, वहीं मानव संसाधन भी बहुत महत्वपूर्ण है। और ये कमी कई सालों से खिलती आ रही है, केवल अशोकनगर जिले में नहीं पर संपूर्ण मध्य प्रदेश में। और मैं दोबारा धन्यवाद देना चाहता हूँ तुलसी सिलावट जी को और मध्य प्रदेश की सरकार को कि अशोकनगर जिले में अतिरिक्त 23 स्टाफ नर्स अधिक दिए जाएंगे और 30 ANM की पदस्थापना भी की जाएगी। तो इससे स्टाफ में भी बढ़ोतरी होगी। विशेषज्ञ हैं, मेडिकल ऑफिसर हैं, स्टाफ नर्स हैं, ANM हैं, CHO है। और एक तरफ अधोसंरचना में बढ़ोतरी, दोनों चंदेरी और मुंगावली के लिए 50 बिस्तर का अस्पताल और अशोकनगर के लिए 100 से 200 बिस्तर का अस्पताल, और मानव संसाधन में भी वृद्धि। तो ये खुशखबरी भी आपके समक्ष मंत्री जी को मैं साधुवाद और धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ हमारे अशोकनगर जिले की जनता की तरफ से। मगर इसके लिए सर डॉक्टरों की जरूरत पड़ेगी फिर उसके लिए? देखिए, पहले तो कम से कम धन्यवाद और खुशी अर्पित करें कि कुछ सौगात तो आई है जिंदगी में। जैसे सदैव मैंने कहा है, विकास और प्रगति की प्रक्रिया निरंतर होती है। और आप जैसे व्यक्तित्व के धनी को खुश करना कोई आसान बात नहीं है, पर फिर भी हमारी कोशिश जारी है और ये एक अच्छी शुरुआत हुई है। और जैसे जैसे आप जैसे लोग हम लोगों को और अधिक प्रयास करने के लिए एक नई ऊर्जा प्रदान करेंगे और जो और आप हमारी क्षेत्र की मांगे हैं हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे, जैसे आप लोगों ने सदैव 19 साल में मेरा भी हौसला बढ़ाया अच्छे सुझाव देते हुए, उसी पर हम लोग काम करते हैं। दूसरा, चंदेरी हेरिटेज को लेकर आप बहुत लंबे समय से काम कर रहे थे और अब वो आ भी गई हो चंदेरी के लिए। ये भी बहुत बड़ी सौगात है कि यूनेस्को की, संयुक्त राष्ट्र की हेरिटेज की लिस्टिंग में चंदेरी का नाम अंकित किया जा रहा है। अब उसके लिए एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी पड़ रही है और उसके आधार पर अंतिम परीक्षा में चंदेरी को उभर आना पड़ेगा। तो इसके लिए भी मैंने मध्य प्रदेश शासन से निवेदन किया है और स्थानीय प्रशासन से भी निवेदन किया है कि जो हमने काम, हम सब ने मिलकर काम पिछले 19 सालों में किया है, पूरे चंदेरी का निखार, चाहे लाइटिंग के द्वारा हो किले का, चाहे किले की अधोसंरचना में जो मजबूती हमने प्रदान की है, चाहे बादल महल है, कौशक महल है, शहजादी का रोज़ा है, पूरे क्षेत्र में जो हम लोग ने काम किया है, उसी का एक रूप हम लोग इस यूनेस्को हेरिटेज लिस्टिंग के द्वारा दे पाएंगे। पूरे विश्व के केवल 10 या 15 शहर चुने जाते हैं और बड़ी गौरव की बात होगी अगर हमारी चंदेरी 10 साल के प्रयास के बाद उस लिस्टिंग में अगर चंदेरी का भी प्रवेश हो जाए। CAA को लेके पूरे प्रदेश देश भर में पक्ष और विपक्ष में दोनों तरफ से रैली और आंदोलन। देखिए, इसमें रैली वैली की बात नहीं है। मैंने कई बार दिल्ली में भी और अनेक जगहों में स्पष्ट बात मैंने रखी है कि हमारी देश में बहुत बड़ी पुरानी संस्कृति है कि वासुदेव कुटुंबक सभी को साथ में लेकर चलता है। गांधी जी का देश और उसमें ना धर्म, न जात, न पात, इंसानियत के आधार पर नीतियां बनाई जाती हैं। और जो नीति इंसानियत के आधार पर न बनी जाए, उसको हमारे देश में क्रियान्वयन करना मैं नहीं मानता कि ये उचित होगा। हमारी सोच विस्तृत है, सभी को साथ लेते हुए सोच है, और यही सोच और कल्पना के साथ भारत आज़ादी के बाद केवल नहीं लेकिन आज़ादी के पहले भी विकास और प्रगति करते आ रहा है। एक धर्मनिरपेक्षता, भाईचारा की जो
जो सोच और विचारधारा हर भारतीय में, उसे रेखांकित करना और उसे बनाए रखना हम लोगों का दायित्व। महाराज साहब, प्रदेश सरकार एक और प्रोटेक्शन एक्ट, पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की बात करती है, दूसरी तरफ एक अधिमान पत्रकार के ऊपर बिना जांच के 376 जैसी धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर दिया जाता है, इसके बारे में सर आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे कोई विशेष उदाहरण के बारे में सूचना है नहीं कि मैं उसका आपको जवाब दे पाऊँ। आप किस संदर्भ में, किस विषय में और किस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा कि हमारे मैनिफेस्टो में हमने दो सुरक्षा अधिनियम की घोषणा नहीं लेकिन संकल्प लिया था। एक तो अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम और दूसरा हमारे मीडिया के, हमारे विशेष कर्मियों के लिए सुरक्षा का अधिनियम, उस पर हम लोग काबिज और उसे पारित करके ही हम लोग रहेंगे। जो भी हमारे मैनिफेस्टो में है, सरकार का ये दायित्व नहीं बनता, मैं मानता हूँ कि सरकार का धर्म बनता है कि जो भी मुद्दा मैनिफेस्टो में है उसे क्रियान्वयन करना ही होगा। प्रश्न है कि कब किसकी बारी पहले आएगी, अब वो समय सीमा के आधार पर और इस मुद्दे पर नहीं पर दूसरे मुद्दों पर जो सरकार के पास राशि है उसके आधार पर नियमित की जाती है। लेकिन मैं कटिबद्ध हूँ कि जो भी मैनिफेस्टो में हुआ रखा गया है उसे क्रियान्वयन हमको करना ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। दिल्ली बढ़ती हुई बेरोजगारी के लिए आप उसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? अभी तक जो बेरोजगार के सब बाहर निकल रहे हैं, विद्यार्थी कुछ नहीं रहे, कठिनाई क्या है? कठिनाई क्या है कि आर्थिक प्रगति और आर्थिक विकास राष्ट्र स्तर पर किया जाता है। राष्ट्र स्तर पर जब आर्थिक प्रगति और विकास का इंजन वाला दौड़ने लगता है तो उसका प्रभाव हर राज्य पर पड़ता है। कठिनाई आज है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो आर्थिक विकास और प्रगति का इंजन है उसमें इंजन ही जाम हो चुका है और उसका विपरीत प्रभाव हर राज्य पर पड़ रहा है। पिछले आप 12-13 क्वार्टरों की विकास प्रगति के दर को निकालोगे तो आप लोग भी आश्चर्यचकित रह जाओगे। 8.5-9% से हम लोग अब गिर गए हैं 4.5% तक बेरोजगारी की। तो एक तरफ ये ग्राफ है विकास प्रगति का, दूसरे तरफ ग्राफ है बेरोजगारी का, बेरोजगारी का ग्राफ ऐसा बढ़ रहा है। तो इस स्थिति में जरूर चिंताजनक है और केवल आपके लिए, मेरे लिए नहीं लेकिन राष्ट्र के हर नागरिक के लिए चिंताजनक। निर्भया वाले मामले में जो देरी हो रही है सर, निर्भया